नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मेरे पति आज पूरे 383 दिन बाद घर आ रहे हैं। उनके स्वागत में जितने दीपक जलाऊं कम है। 383 क्या पूरे 500, 600 से ज्यादा दीप जलाऊंगी। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, वैसे मेरे राम आज घर आ रहे हैं। दरअसल सिशौली में राकेश टिकैत के घर पर 3 दिनों से उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से टिकैत घर नहीं गए थे। यहाँ टिकैत की पत्नी दिए में तेल डालकर उन्हें सजा रही है। किसान आंदोलन में विजय हासिल कर राकेश टिकैत आज शाम मुजफ्फरनगर अपने घर लौटेंगे। राकेश टिकैत की पत्नी सुनीता तैयारियों में मगन है। राकेश टिकैत के स्वागत के लिए मिट्टी के दिए में तेल और बाती सजाई हुई। सुनीता कहती हैं, इन दिए की तरह हम दोनों एक मिट्टी के हैं, मिट्टी कभी अलग नहीं हो सकती। मैं भी अपने पति से कभी अलग नहीं हूँ। वो घर से बाहर थे, किसानों के लिए सरकार से लड़ रहे थे, आज वो घर लौट रहे हैं। 383 दिनों बाद आज मेरे पति घर आ रहे हैं। 383 क्या 500, 600 दीपक जलाऊंगी। जब राम जी घर आए थे तब हजारों दिए जले थे, आज ये दीपक जलेंगे। सुनीता टिकैत ने अपने पुत्र वधू निकिता के साथ मिलकर आरती की थाली सजाई है। शाम को जब किसान घर लौटेंगे तो इसी थाली से सुनीता पहले राकेश टिकैत का तिलक कर आरती उतारेगी। उनका गृह प्रवेश होगा, अन्य किसानों को भी तिलक लगाएंगी। तैयारियों में व्यस्त सुनीता कहती हैं, यह आंदोलन हर किसान की जीत है। शिशौली में किसान भवन को रंगीन लाइटों फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात को ही सजावट हो गई थी, लेकिन बची कुछ ही सजावट अभी भी हो रही है। शाम को राकेश टिकैत किसानों के साथ यहाँ पहुंचेंगे। यहीं भाकियों के अध्यक्ष नरेश टिकैत का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। आज टिकैत का पूरा परिवार यहां एक साथ मिलकर पूजन करेगा। राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की पत्नी निकिता किसान आंदोलन की जीत से बहुत खुश है। निकिता सास सुनीता के साथ सुबह से किचन में व्यस्त है। घर पर बाहर भंडारे की तैयारी हो रही है। निकिता कहती है कि इन 383 दिनों में हमारा परिवार जिस माहौल से गुजरा है वो कभी नहीं भूलने वाला है। अंत में किसानों की जीत हुई है। ये जीत हमारी नहीं बल्कि पूरे किसान बिरादरी की जीत है। आज देश का हर किसान खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।